हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डेडपूल और आप देख रहे हैं इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई। मैं थंडरबोल्ट रॉस से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन इस नए पागल हल्क ने मुझे उसे ढूंढने के लिए कहा और मुझे लगा कि शायद उसकी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। डेडल कहता है, लगता है कि तुमने अपनी पिछली लड़ाई से कोई सबक नहीं सीखा। डॉक्टर किंग कहता है, तुम कई चीजों के बारे में गलत हो। तुम इस बारे में गलत हो कि तुम किसके साथ लड़ रहे हो। तुम जीतोगे कैसे? तुम तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से जानते भी नहीं। रेडल कहता है, मेरे सामने बकवास मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, फिर भी तुम एक न्यूक्लियर वेयर साइट में मुझसे लड़ने आए हो। बैनर, जब तुम अपने गुस्से से लड़ते थे तब तुम इससे तो ज़्यादा ही स्मार्ट थे। डॉक्टर किंग कहता है, मैं बैनर नहीं हूँ और इससे पहले कि यह सब खत्म होगा तुम मेरा नाम जरूर बोलोगे। उधर डेडपूल अपनी सांस रोक लेता है और निशाना लगाते हुए सोच रहा है कि इतनी दूरी से अगर मैं जरा सा भी सांस लेता हूँ तो गोली की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हल्क लड़ रहे हैं और अगले ही सेकंड धरती हिल रही है। मेरे पास बस एक ही चांस है और इस तरह का स्नाइपिंग शॉट लगाने का रास्ता ये है कि निशाना वहाँ लगाओ जहाँ टारगेट पहुँचने वाला है, और तब वो गोली सीधा रेड हल्क के कान में जाकर लगती है। अब डॉक्टर किंग रेड हल्क को पीटते हुए कहते हैं, तुमने लास्ट टाइम मुझे हराया नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा था। मैं तुम्हें लालच देकर बीहाइव में लेकर आया ताकि तुम्हारी फिजियोलॉजिकल रीडिंग ले सकूं, और वो डाटा तुम्हारी रेडिएशन एब्जॉर्बिंग पावर को ख़त्म करने के काम आएगा। रेड हल्क कहता है, मकोड़े, इसे तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इधर डेडपूल को स्टीव रॉजर्स का कॉल आता है। डेडपूल कहता है, हे मिस्टर रॉजर्स, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं एक जरूरी मिशन पे हूँ, ओके? तभी रेड हल्क द्वारा फेंका गया डॉक्टर ग्रीन डेडपूल के पास की चट्टान से टकराता है, जिससे डेडपूल मलबे के नीचे दब जाता है। डेडपूल कहता है, नो, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मुझे जिंदा रहना होगा ताकि मैं खुद की कॉमिक बुक में मर सकूं। मुझे मेरी टांगें महसूस नहीं हो रही है। तब डेडपूल देखता है कि उसका निचले वाला पार्ट कट चुका है और दूर पड़ा है। डेडपूल कहता है, डैम इट, मुझे मेरी टांगें सच में बहुत पसंद थी। तभी एक चील आकर डेडपूल की टांगें खाने लगती है। डेडपूल कहता है, शू शू शू, एक पंछी, भाग इधर से, मेरे पास लास्ट चांस है अपनी टांगों से फिर से जुड़ने का। अब डेडपूल एक गन निकालकर चील को मार देता है और कहता है, पागल पंछी, उसे क्या लगा कि मैं उसे खुद को खाने दूंगा। लेकिन अब तक भेड़िए वहां आ चुके हैं। उधर डॉक्टर किंग चट्टानों के मलबे से बाहर आता है और रेड हल्क को भागते हुए देखता है। अब डॉक्टर किंग एक चट्टान का टुकड़ा रेड हल्क की तरफ फेंकता है, जिससे रेड हल्क नीचे गिर जाता है। रेड हल्क कहता है, अब तुम उस पागल की तरह बिहेव कर रहे हो जो मैं हमेशा से तुमको मानता था। अब डॉक्टर किंग रेड हल्क को एक जोरदार किक मारता है और कहता है, मज़ा आया, मैं हमारी पिछली लड़ाई से रिसर्च कर रहा हूँ। अब रेड हल्क डॉक्टर किंग को एक किक मारता है और कहता है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर किंग कहता है, तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम हमेशा से गलत थे। बैनर हमेशा गुस्से से भरा हुआ था जबकि मैं नफरत से भरा हुआ हूँ। वहीं उन दोनों की लड़ाई के कारण हुए अर्थक्वेक पूरे आसपास के इलाके में महसूस किए जा सकते हैं। अब वो दोनों लड़ते हुए पहुँचते हैं सीधा न्यू मैक्सिको। डॉक्टर किंग कहता है, रोज तुम स्लो हो रहे हो, कहीं तुम ये लड़ाई ख़त्म तो नहीं करना चाहते? मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। रेडल कहता है, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ने वाला हूँ ताकि तुम और बकवास ना कर सको। डॉक्टर किंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई, चलो मैं एक और बात कहता हूँ, क्या तुम्हारी लाइफ में एक भी आदमी ऐसा है जिसे तुमने धोखा नहीं दिया? यहाँ तक कि तुमने अपनी खुद की बेटी बेटी को भी धोखा दिया है, तुमने अपनी खुद की बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने दिया। रेडल कहता है, शट अप शट अप, मैं तुझे बचा रहा था। डॉक्टर किंग कहता है, लेकिन तुमने सबसे बड़ा धोखा अपने सोल्जर्स और अपनी कंट्री को दिया, और जब चीज़ें हाथ से बाहर निकल गई तो तुमने अपनी खुद की मौत का नाटक बनाया और छुप गए। रेडल चिल्लाता है, शट अप, तुम कुछ नहीं जानते, मैंने तो हमारे लिए ये लाइफ एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, तुमने एक नॉर्मल लाइफ जीने की हमारी सारी संभावनाओं पे पानी फेर दिया। अब रेड हल्क डॉक्टर किंग को एक बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे डॉक्टर किंग हवा में बहुत ऊपर चला जाता है। फिर रेड हल्क भी हवा में जाकर डॉक्टर किंग को एक खतरनाक वाला पंच मारता है, जिससे डॉक्टर किंग बेहोश हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि बेहोश होने या सोने पर डॉक्टर किंग बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बैनर जागता है और अपने आप को आसमान से तेजी से नीचे गिरते हुए देखता है।